बहराइच से खबर है, जनपद के प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त एक टीवी चैनल के पत्रकार पर नगर कोतवाल मधुपनाथ द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के तहत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने के मामले को लेकर जिले भर के पत्रकार आंदोलित हो गए हैं। मंगलवार को सुबह 10 बजे से ही शहर के घंटाघर पार्क पर पत्रकारों का जमावड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद पत्रकारों ने नगर कोतवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर नगर कोतवाल को निलंबित किए जाने की मांग की है। बता दें कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के नेतृत्व में जिले के आधा दर्जन पत्रकार संगठनों में आदर्श पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन, मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन, यूनाइटेड जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश व ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन व ऑल इंडिया पोर्टल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सैकड़ों पत्रकारों ने एक ज्ञापन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार, अपर पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक जोन गोरखपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार यूनियन नई दिल्ली व प्रदेश अध्यक्ष श्रमजीवी यूनियन लखनऊ और जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद को सौंपते हुए नगर कोतवाल को 24 घंटे के भीतर निलंबित करने की मांग की है और मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। आप ज्ञापन दे दीजिए। अरे रुको भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट, शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे हैं और वहाँ जाए तो सीएम साहब यहाँ पर ज्ञापन दे दीजिएगा, जो हमारी मांगे आप जान ही रहे हैं पहले। अरे चले जाइएगा, आदरणीय क्यों साहब पुलिस, अरे रुको भाई, पुलिस अधीक्षक महोदया के जो ज्ञापन को है वो आप ले लीजिए, ठीक, और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को जिलाधिकारी वाला ज्ञापन जो देना है वहाँ 5 लोग हम चले जाएंगे, ये कोई भीड़ नहीं जाएगी, इस बात का वादा हम कर रहे हैं, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे।